हाय फ्रेंड्स, सरकट ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकट ट्रेडर्स चैनल में आज इस डेमो क्लास का माध्यम से हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन के अंदर ऑप्शन चेन। तो ऑलरेडी पिछले संडे हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो बेसिक बातचीत है इसे हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का इस क्लास के अंदर हम उस बेसिक जो बातचीत हो चुका था उसका सिर्फ पॉइंट मैं आपको बता के जा रहा हूं और आगे ऑप्शन चेन में आ जाऊंगा और वहां पे समझने की कोशिश करूंगा जो हमें एक्चुअल देखना क्या चाहिए। ओके, तो फ्रेंड पिछले संडे इन तमाम चीज के ऊपर बातचीत हुआ था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है, कहां से होता है, बिल्कुल बेसिक साइड से लेके। तो सपोज एग्जांपल मैं किसी स्टॉक के ऊपर लेता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में जो होता है वो दो चीज होता है, एक कॉल साइड एक पुट साइड। ओके, एक कॉल और एक पुट मेनली ये होता है। और हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सिर्फ कॉल पुट नाम जानते हैं और सी और पी जानते हैं, ठीक है, सी और पी जानते हैं, ये दो चीज जानते हैं। तो मैं उनको बहुत ही अलर्ट करना चाहता हूं जो आप लोगों के अंदर सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि सी और पी, कॉल मतलब सी पुट मतलब पी, तो आप बिल्कुल ही निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें तभी बेटर है। ओके, तो आगे सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यार ये सारे चीज पिछले संडे हो गया था, बार बार बता रहा हूँ जिसलिए इस वीडियो का मतलब से इतना ज्यादा इसके ऊपर टॉपिक नहीं बताऊंगा। तो सपोज किसी बैंक जिनको डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होता है तो वो कोई स्टॉक, ओके स्टॉक हमने यहाँ पे उठाया जिसका रेट अभी मान लो सपोज 166 चल रहा होगा और इसका जो प्राइस है उस प्राइस से ऊपर नीचे हर प्राइस के ऊपर बोली लगाया जाता है, एक तरह का बोली लगाया जाता है, ठीक है। मेनली कैश प्राइस ये चल रहा है लेकिन इस कैश प्राइस के ऊपर मेरा मानना है कि ये आज का दिन में 170 पहुंचेगा, ठीक है। मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि ये आज का दिन में 170 ये 170 पहुंचेगा। तो 170 पहुंचेगा तो मैं क्या करूंगा, 166 जो ये प्राइस चल रहा है, ये जो प्राइस चल रहा है ये अभी आपका इस प्राइस के बीच में बिलोंग हो रहा है, तो मेरा 170 पहुंचने का ये जो है 175 170, ये हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे कुछ बोली लगा हुआ है और वहां पे लोग रेटिंग दिया है। तो मैं बोलूंगा जो 177 पहुंचेगा तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा इसको पहुंचने के लिए। तो अभी जिन लोग खड़े हैं वो 8 रुपया देने के लिए तैयार है कि 8 रुपया मैं इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दूंगा, 8 रुपए में मैं खरीद सकता हूं। 177 का जो कॉल है, यानी कि मेरा मानना क्या है कि यहां से ऊपर जाएगा, अभी 166 चल रहा है, ये 170 की तरफ जाएगा, तो मैं इसको 8 रुपया पे करूंगा। और अगर मेरा अंदाज सही रहा, मेरा एनालिसिस सही रहा तो ये 8 रुपया और ऊपर इंक्रीज होगा। ओके, अगर ये मेरा तरफ नहीं आता है, मेरा दिशा की तरफ नहीं आता है, यहां से और गिर जाता है तो ये 8 रुपए से और काफी गिर सकता है। और सेकेंडली क्या चीज होता है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर लॉट साइज होता है, जो कि आप निफ्टी के ऊपर देखे होंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर देखे होंगे, हर एक स्टॉक के ऊपर अलग अलग लॉट साइज है। अरे लॉट साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज पिछले संडे को बताए थे। तो यहाँ पे सपोज इसके अगर लेना है तो आपको 8 रुपए ही नहीं पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो लॉट साइज है इसका 3000 2000 4000 जो भी एक लॉट साइज इसका डिपेंडेंट है वो आपको अपना प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो उस लॉट साइज इनटू ए प्राइस, ये आपको पेमेंट करने के बाद आपको 170 का कॉल बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 170 का कॉल आप बाइंग कर सकते हैं, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये 170 की तरफ आता है तो ये 8 रुपया अगर 9 रुपया हो जाता है तो आपको 3000 का प्रॉफिट यहां पे मिलेगा, मतलब 1 रुपया बढ़ गया है और ये लॉट है 3000 का, यानी कि 1 रुपया बढ़ेगा तो 3000 into 1 यानी कि 3000 का प्रॉफिट। अगर ये 2 रुपया बढ़ जाएगा 3000 into 2 यानी कि 6000 का प्रॉफिट। वैसे ही अगर आपका एनालिसिस सही नहीं रहा, यहां से गिर जाता है तो ये क्या है, प्राइस गिरता बहुत जल्दी है, प्राइस बहुत जल्दी गिरता है। मान लो ये 166 प्राइस चल रहा है, मैंने 170 का कॉल लिया हूं और आज का पूरा दिन में ये 166 ही रहा है, यहां से 1 रुपया ऊपर नीचे करते करते पूरा दिन में जाके 166 में ही ये क्लोजिंग दिया है। तो क्या होगा पता है, आज सुबह अगर 9 बजे इसका प्राइस 8 रुपया चल रहा था तो शाम को हो जाएगा 7 रुपया। अब पूछेंगे ये कैसे, इसका प्राइस तो यही चल रहा है तो ये 8 रुपया से 7 रुपया कैसे हो जाएगा। दोस्त इसे कहता है टाइम डीके,
ये जो सुबह से शाम तक इसका प्राइस इसी में ऊपर नीचे होता रहा और इसका प्राइस 8 रुपया से 7 रुपया हो गया है। इसे कहता है ऑप्शन के अंदर प्राइस डीके, ठीक है, ऑप्शन के अंदर प्राइस डीके। तो ये जो घट गया है प्राइस 1 रुपया, इसे हम प्राइस डीके कहते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बैंक निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में एक्सपायर के दिन में आप देखे होंगे अगर 22,200 चल रहा है मान लो अभी सुबह सुबह, और बैंक निफ्टी 10 बजे तक ये 22,300 में पहुंचा है, इस टाइम पे जो 22,200 का कॉल होगा, 22,200 का कॉल जो होगा, 22,200 का जो सी होगा, इसका प्राइस चलेगा लगभग मान लो 100 रुपीज जब 300 पहुंच जाएगा, ठीक है। हमने ये 10 बजे तक इसने 300 टच किया था, सुबह 10 AM तक इसने 300 टच किया था। अब जब 11 AM हो रहा है, 11 AM हो रहा है, तो ये फिर कहाँ आ गया, ये फिर 22,200 में आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे 9:30, 9:30 यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा था 50 रुपया, ठीक है। 9:30 में इसका प्राइस 50 चल रहा था, जब 10 बज रहा था तब निफ्टी पहुंचा है, बैंक निफ्टी पहुंचा है 22,300 पे, और इसका प्राइस हो गया है 100 रुपीज। और जब 11 बज रहा है तब इसका प्राइस यही चल रहा है, फिर से 22,300 से 22,200 में आ गया है। तो जो ये प्राइस 150 से 100 रुपया चला गया था, ये प्राइस कहाँ आ जाएगा? आई थिंक जिन्होंने ट्रेड करते हैं सबको पता है कि 9:30 पे ये प्राइस था, एक्सपायरी के दिन है, वीकली एक्सपायरी के दिन है। ऑप्शन में क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली एक्सपायरी होता है और स्टॉक के ऊपर मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो इतना बेसिक गहराई में नहीं जा रहा हूं आज का क्लास में। तो ये जब 11 बजेगा तो इसका प्राइस आपको आ जाएगा 25। तो क्या हुआ, 9:30 पे 50 था निफ्टी का प्राइस, यही था, और 11 AM में हम देख रहे हैं वही प्राइस चल रहा है निफ्टी का, लेकिन जो ऑप्शन प्राइस है 22,200 का कॉल का, वो 25 रुपया आ गया है। तो ये जो 25 रुपीज घटा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 25 पॉइंट का जो डिक्रीज हुआ है, ये हो गया टाइम डीके, ठीक है, ये आपको हो गया टाइम डीके। तो इन सारी चीज के ऊपर लेक्चर आज नहीं है, आज जो मेनली लेक्चर है वो आपको है ऑप्शन चेन के ऊपर। तो हम सीधा चले जाएंगे, ये मैं सिर्फ सिंपली एक समझाने का कोशिश किया हूं कि ऑप्शन के अंदर ऐसे कॉल और पुट होते हैं, और दोनों साइड में आपको बाइंग और सेलिंग का हर लेवल पे रहता है, और इस लेवल के बाद आपको किस तरफ जाना है, बाय करना है सेल करना है, ये डिसाइड करता है। तो पिछले संडे को सारे चीज के ऊपर डिटेल्स बात किया था, अब चलता हूं मैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो दोस्त हम ऑप्शन चेन में कहां से जाते हैं, यहां पे गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा www.nseindia.com, ओके। हम यहां पे चले गए और इसके बाद जो फर्स्ट लिंक है इसको क्लिक करना है, इसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हमने ये क्लिक करना है, जो यहाँ पे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर में क्लिक करना है, और इसके आगे जो पेज आ गया है, ये आपको एनएससी इंडिया का साइट आ गया। मैं पहले भी कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस जगह पे जाके आप बहुत सारे मार्केट का नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में जाना है, लाइव मार्केट में नीचे आने का ऑप्शन चेन, एंड ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव, इसे आपको क्लिक करना है। इसी क्लिक करने के बाद ये आपका सामने निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ये आ जाता है, और यहाँ पे कई सारे चीज रहते हैं। इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते शुरू शुरू वाला जो ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है, वॉल्यूम कैसे बिल्डअप होता है, इन सारे चीज के ऊपर बात किए थे, ठीक है। इन तमाम चीज के ऊपर हमने पिछले संडे को बात किए हैं, और फिर भी इस संडे को मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखाता हूं कि ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन आपको हो गया है निफ्टी का अभी स्ट्राइक प्राइस, यानी कि
निफ्टी का कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हमें काम करना है वो आपको इस पूरा लाइन में रहता है। ठीक है, ये जो साइड है ये आपको कॉल साइड हो गया, ये आपको पुट साइड हो गया, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। अब ये जो पीला हिस्सा है, यहाँ भी पीला हिस्सा है, इसका भी कुछ मतलब निकाल के आता है। जैसे मैं पिछले संडे को बताया था, कोई अगर गाड़ी, कोई अगर ट्रेन, कोई अगर चीज कोई इंजीनियर बना रहा है तो उसका पीछे कुछ भी एक छोटी सी पार्ट्स अगर किसी जगह पे बना दिया है तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग आता है। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है। तो इस पीला हिस्सा का ये बनाने का मतलब, वाइट हिस्सा बनाने का मतलब, इसका भी ऊपर कुछ मीनिंग्स है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी दो चीज होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो पार्टीशन बना दिया है, इस पार्टीशन से आपको इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का पार्टीशन बोला जाता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, एट द रेट मनी, ये आपको होता है एट द रेट मनी, ये जो जहां पे निफ्टी बिलोंग हो रहा है इसको ऊपर और नीचे, और ये कॉल साइड का हो गया है, ये आपको इन द मनी हो गया है, और पुट साइड में सेम इसी का पुट साइड में यहाँ पे जाएंगे तो आपको इन द मनी हो गया है, और ये आपको आउट ऑफ द मनी हो गया है, और ये नीचे आपको आउट ऑफ द मनी हो गया है। ठीक है, जस्ट इतना ही जान लीजिए, जिन लोग बिल्कुल बेसिक है उन लोग, फिर आगे आपको और क्लासेस मिलेंगे तो वहां पे आप बाकी चीज देख पाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओ आई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आई बी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, नेट चेंज, बिट क्वांटिटी, ये तमाम चीज। तो इन तमाम चीज के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका रेट कैसे बढ़ता है, कितनी पॉइंट बढ़ने से कितने पॉइंट आपको ऑप्शन बढ़ेगा, इसके ऊपर क्लियरली आपको समझ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं पिछले संडे को भी बात किया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओपन इंटरेस्ट कॉलम में जो फिगर हम देख देते हैं, ये जो है ये किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने लोग बाइंग सेलिंग बना के बैठे हैं, मतलब पहले से टोटल पोजीशन कितने यहाँ पे बना के बैठे हैं, ये फिगर हम इसके ऊपर देखते हैं। 10,800, 10,700, 10,000, 11,000, 10,900, ये हमें इस जगह पे दिखेगा जो कितने लोग इसके ऊपर बाइंग सेलिंग बना के बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब आता है आज की डेट में किसी एक स्टॉक प्राइस के ऊपर कितना चेंजमेंट हुआ है। जब कल की डेट में, मान लो हम ये डेटा फ्राइडे को 11 बजे देख रहे हैं कि ट्यूजडे को 11 बजे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आता है फ्राइडे से पहले वाला दिन में इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग करके बैठे थे। अब फ्राइडे का 11 बज रहा है, अभी फ्राइडे को 11 बजे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने लोग दिलचस्पी रख रहे हैं, कितने लोग बाइंग कर रहा है, कितने लोग सेलिंग कर रहा है, ये आपको पूरा इस जगह पे दिखाई देगा। ठीक है, अब आता है दोस्त वॉल्यूम, अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, ये मैं पिछले तुम्हें बता दिया हूँ, फिर भी एक बार मैं मोटे मोटे बता देता हूँ। जैसे आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का खरीदे हैं और आपका फ्रेंड्स ने 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, थोड़ी देर बाद आपने यहाँ से 5 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए और आपका फ्रेंड्स भी यहाँ से 5 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। ओके, आपने भी 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, अपने फ्रेंड्स ने भी 5 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से बेच दिए, तो कितना आप दोनों के पास रह गया है, दोनों के पास रह गया है यहाँ पे 5 और 5। निफ्टी में ट्रेड कितने में हुआ है, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये आपने बेचे हैं तो कोई ना कोई खरीदे हैं। अब जो आपका दूसरा मित्र यहाँ से खरीदे हैं तो वो भी 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, तो मतलब 5 + 5 यानी कि 10 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम हुआ है निफ्टी के ऊपर, तो आपको वॉल्यूम जनरेट हो गया है 10। और ये भी आपने बेचे हैं तो कोई मित्र ने खरीदे हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितना खड़ा हुआ, 10।
तो कितना हुआ टोटल, 10 और 10 यानी कि 20 कंटेक्ट, 20 आपको वॉल्यूम जनरेट हो गया। ठीक है, ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ ये 20 जनरेट हुआ, बट निफ्टी का जो बायर सेलर की जगह ओपन इंटरेस्ट की जगह ये कितना रहेगा, ये आपको उतना ही रहेगा कि आपने सेल किए थे, आपका फ्रेंड्स ने बाय किया था, पहले आप दोनों ने सेल किए हैं, पहले आप दोनों ने पांच कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। ठीक है, अब ये जो सेल का 5 कॉन्ट्रैक्ट ये किसी दूसरे ने खरीदा है, तो ये 10 जो फिगर हो गया ये वॉल्यूम हो गया है, लेकिन निफ्टी का जो मेन फिगर है ये आपको क्या हुआ, उतना ही रहा, जितना था पहले उतना ही रहा। ठीक है, जस्ट एक मिनट फ्रेंड्स, किसी ने स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखना है यहां पे। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम कितने कैसे जनरेट हुआ यह हमें क्लियर हुआ, जो वॉल्यूम कैसे जनरेट हुआ। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कितना यहां पे क्रिएट हुआ। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको जो यहां पे बाइंग सेलिंग किए हैं टोटल आपके पास, जो अगर आप सेल कर देते किसी दूसरा फ्रेंड्स ने अगर नहीं खरीदता और ये सिस्टम के पास रह जाता, ठीक है, सिस्टम के पास रह जाता तो यहां पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देता, लेकिन जहां कि आपको फ्रेंड्स ने खरीदा है तो आपको फिगर वो ही रहेगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यहां पे जो बात एक आ रहा है, कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो रहा है कि अगर मैं बेचूंगा तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। देखो यहां खरीदने का दो जगह रहता है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और कैश मार्केट, इन दोनों का फर्क रहता है। ठीक है, ये फर्क रहता है, तो यहां पे अगर आप सेल करते हैं, कोई खरीदता नहीं है, सिर्फ आप सेल कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, और सेल करेंगे तो यहां पे अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो ये आपको रेसिस्टेंस बन जाएगा। अगर 10,800 के ऊपर लोग सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, आमतौर पे जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कलम है इसके ऊपर जो ये फिगर देता है यहां पे आमतौर पे सेलिंग प्रेशर ही माना जाता है। ठीक है, यहां पे ये सेलिंग प्रेशर माना जाता है। और अगर इसी तरीके से अगर इस साइड में 10,700 का जो पुट है, इस पुट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। देखो मेनली जो पॉइंट है, अब मैं मेन पॉइंट पे आ गया हूं, इस जगह को आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है आपको, जिस जगह पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है एट द रेट मानी जहां पे है, उसे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट और उसे नीचे का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जगह है यहां पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे आपने ध्यान देना है इस दो जगह के ऊपर। आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कहां पे सेलिंग प्रेशर हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे हमें 10,800 के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10,800 के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है, और 10,700 के ऊपर 7,12,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और 10,800 के ऊपर 12,26,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। अब एक बात इसके अंदर आता है जो कि आपको किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, और आपको पता है कि मैं आपको जो चीज बताता हूं उसके बारे में डिटेल्स और सब कुछ बताने का कोशिश करता हूं।
तो वो क्या है कि इसके अंदर कितना बायर है, कितना सेलर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस LTP प्राइस, यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जगह हो रहा है, ये जो फिगर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, बायर सेलर, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना बायर है कितना सेलर है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3,24,000 का सेलर, 2,19,000 का बायर, यानी कि ये आपको रेसिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं, किसी भी YouTube वीडियो में अगर इतना अंदर जाके आपको बताए किस जगह पे आपको क्या करना है, कैसे इसका डिटेल्स देखना है, तो मैं उस यूट्यूबर को नमन करता हूं। ये जो मेन फंडा है, इस मेन फंडा के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको देखेंगे तभी आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। और ये फिगर के, एक मिनट, ये फिगर के अंदर क्या होना चाहिए, ये फिगर के अंदर अगर आप देखते हैं कम से कम डबल का चेंजेस है, मतलब यहाँ पे 2,19,000 है तो यहाँ पे आपको 4,50,000, 5,00,000, 6,00,000, इस तरीके से फिगर अगर दिखाई देता है तब जाके इस जो फिगर है, ये जो जगह है, एक मिनट, तब जाके हम ये जो रेसिस्टेंस है इसे हम एक्चुअल रेसिस्टेंस मानेंगे और सही रेसिस्टेंस मानेंगे कि इसके ऊपर निफ्टी नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी यहां पे होता क्या है, फिगर तो यहां पे ये दिखाई देता है इतना, लेकिन इसके अंदर बायर ज्यादा हो जाता है। अब बायर ज्यादा होता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यानी कि 10,900 का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यहां पे अगर जब ओपन करके देखते हैं तो देखते हैं यहां पे 3,00,000 बायर और 7,00,000 सेलर, तो क्या होता है, तो इससे ये आम लोग, मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं जी ये तो रेजिस्टेंस है, बढ़िया रेजिस्टेंस है, इसको तो तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो सर्किट ट्रेडर्स का स्टूडेंट होंगे, जो सर्किट ट्रेडर्स का फॉलोअर्स होंगे, वो क्या देखेंगे, वो इसके अंदर एक्चुअल बायर सेलर देखेंगे, इसके अंदर एक्चुअल बायर सेलर देखेंगे, देख के अगर इसे क्रॉस कर रहा है तो ये 10,900 आ सकता है, और हम क्या करेंगे इस जगह पे 10,900 का कॉल को बाय करेंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा सेफ रहना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 10,900 का जो कॉल है इसे सेल करके बैठूंगा। आने दो 9,000, इसको नजदीक तक आने दो, 10,900 के नजदीक आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 80 पे लिया था, इसको 100 आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं दिख रहा हूं कि 900 से ऊपर नहीं जाएगा, यहां से वापस जाएगा, जब वापस जाएगा तो मेरा 80 रुपीज 50 रुपीज हो जाएगा, तब मुझे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, कभी भी ट्रेड करना है, एक मिनट, जस्ट एक, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये चीज बताता हूँ फिर बात करता हूँ। आपको कभी भी ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर आपने काम कर रहे हैं, जो भी स्टॉक प्राइस निफ्टी का चल रहा है, इसका बैंक निफ्टी मान लो ये चल रहा है, इसे 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, यहां पे आपका स्ट्राइक प्राइस सजा के रखिए। मतलब अभी 22,400 चल रहा है, आपने 22,200 का पुट, 22,600 का कॉल सी और इसका पी, ये अपना प्लेटफॉर्म में लाके रखिए। अब क्या करेंगे आप, अब जो काम करना है वो, सपोज मान लो ये 22,000 का पुट है और इसे आपने क्लिक करके देखना है कि इसके ऊपर बायर सेलर कितना है। ठीक है, तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं 96,000 का बायर, 79,000 का सेलर। आपको फिगर क्या होना चाहिए, जो मैं अभी ऑप्शन चिन्ह में बताया था, फिगर ये होना चाहिए, अगर यहाँ पे 80,000 है
तो यहाँ पे 80 गुना 2 कितना होता है 16, मतलब 1,60,000 का बायर होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे पुट साइड में जाके बैठेंगे। अदरवाइज अगर इतना फिगर यहाँ पे है 80,000 और यहाँ पे 1,60,000 का सेलर बैठा हुआ है तो हम 22,000 को हम सपोर्ट मानेंगे कि इससे नीचे ये नहीं जाएगा, यहां से ऊपर आ जाएगा। तो दोबारा बताना एक बार, आपको क्या करना है, आपको जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मान लो अभी मैं यहाँ पे क्या देखा था निफ्टी क्या चल रहा है 22,400 चल रहा है, ठीक है, हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी यहाँ पे रखना है अपना प्लेटफॉर्म पे 22,000। देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 22,000 का पुट और 22,600 का पुट रखना है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते रहेगा ये आपको क्लोजिंग लेके आना है, ठीक है। जैसे एक्सपायरी के दिन में आपने 22,400 का कॉल 22,400 का पुट, ये दोनों को देखो किस तरफ पल्ला भारी है। अब यहां से 200 पॉइंट ऊपर भी देखो, 200 पॉइंट नीचे भी देखो, देखना किसी एक टाइम पे आपको एक साइड क्लियर मार्केट समझ में आ जाएगा जिस तरफ बायर ज्यादा हो रहा है। मान लो पी साइड सी और पी, ओके कॉल और पुट आप देख रहे हो, जो पुट के ऊपर जो है यहां पे 10,00,000 बायर है, ठीक है 10,00,000 यहां पे बायर है और सेलर कितना है, हम यहां पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बात कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन हम 22,000 का पुट की बात कर रहे हैं, यहां पे बायर कितना पुट का ये क्या था, ये बायर था और सेलर कितना है, सेलर हम 2,00,000 का देख रहे हैं, मिलेगा एक्सपायरी के दिन में कभी कभी आपको ये सिचुएशन जरूर मिलेगा। और हमने क्या देखना है यहां पे 22,600 का कॉल देखना है, ठीक है 22,600 का कॉल देखना है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे सेलर बायर एंड सेलर, यहां पे बायर है 3,00,000, सपोज क्वांटिटी 3,00,000 और सेलर है मान लो 7,00,000 की 8,00,000, ओके तो यहां से आपको क्लियर पिक्चर क्या नजर आ जाएगा, क्लियर पिक्चर क्या नजर आ जाएगा, यहां से क्लियर है कि पुट साइड ही निफ्टी भागने वाला है, मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर यही कंडीशन आपको ये उल्टा दिखाता है, ये 10,00,000 का सेलर यहाँ पे आ जाता है 22,000 के ऊपर 10,00,000 का सेलर आ जाता है और ये 22,100 चल रहा है तो क्या होगा, ये 22,000 पे सपोर्ट लेगा, ठीक है गिर रहा है मार्केट गिर रहा है आप देख रहे हो, लेकिन ऑप्शन चेन पे आप देख रहे हो 22,000 के ऊपर 10,00,000 का सेलर है 2,00,000 का बायर है, ठीक है सर साइलेंट करवा दो, प्लीज यार आप लोग साइलेंट अपना माइक को म्यूट रखो, मैं बार बार म्यूट करने जाऊंगा तो मैं टॉपिक से हट जाऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आप खुद ही समझ पा रहे हैं, ओके तो यहाँ पे क्या हो गया है कि 22,200 चल रहा था, हमने अभी तक किस तरफ जा रहा है ये मैं बात किया, अब सपोर्ट कहां पे मिलेगा, सेम वही कंडीशन 22,000 के ऊपर 22,000 के ऊपर पुट पी के ऊपर हमें बायर और सेलर देखना है, हम यहां पे सेलर देख पा रहे 10,00,000 बायर देख पा रहे 3,00,000, ओके और निफ्टी यहां पे बिलोंग कर रहा है 22,000 मान लो 100 पे गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है बुरी तरह से गिर रहा है और हम ऑप्शन चेन में ये देख पा रहा हूं तो क्या होगा, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाना है कि ये निफ्टी 22,000 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 22,000 के ऊपर 10,00,000 का सेलर बैठा है तो इनको मानना है कि 22,000 से नीचे हम निफ्टी को नहीं जाने देंगे, हम निफ्टी को लेके आएंगे 22,000 तक और यहां से चढ़ा देंगे मार्केट को,
ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक एज पर डेमो क्लास आप लोगों को अधूरा नहीं रखा हूं। अभी किसी को कोई बातचीत है तो बताइए सर, बताइए सर, बताइए प्लीज सर। जो आपने बायर और सेलर निकाले थे, हाँ, जो ऑप्शन चेन में, हाँ, वो एलटीपी के ऊपर क्लिक करके निकले थे यार, कैसे निकले? हाँ, लास्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो डाटा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बायर और सेलर कितना है? हाँ, वैसे बैंक निफ्टी का भी उसी पे क्लिक करेंगे, एलटीपी पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में आप ये भी देख सकते हो, आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यहाँ पे भी देख सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, मैं देवेंद्र। हाँ देवेंद्र जी बोलिए, बोलिए। थोड़ा सा आपका साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है देखिए, आपका साउंड क्लियर नहीं है। कोई और बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। सर मुझे एक चीज पूछना था, हाँ, इंट्राडे ट्रेडर के लिए जैसे बैंक निफ्टी में कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर में, हाँ, तो उसको कितना टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी में काम करना है तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है आपको, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में काम करना है। हो सके तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रेडर है तो आप 1 मिनट का चार्ट भी यहाँ पे देख के विद इन 1 मिनट में आप पैसे कमा सकते हैं, विद इन 1 मिनट में। मैं सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट है और पिछले एक्सपायरी के दिन में उसने 1 मिनट में 1 लाख रुपया का प्रॉफिट किया, 1 मिनट में 1 लाख रुपया। मैं उनको नाम यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद उस दिन उसने प्रॉफिट मेरे से शेयर किया था कि नहीं किया था, मैं देखता हूँ एक बार। मैं आपको कितना किया था सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए? मैं वो कैसे कमाया था मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ कैसे कमाया था। उन्होंने क्या किया था उस दिन, शायद मार्केट कहाँ पे चल रहा था एक्सपायरी के दिन में, 22,000 कहाँ पे चल रहा था एक बार कोई बताइए, कहाँ पे एक्सपायरी के दिन में ट्रेड हो रहा था? 22,600 के आसपास ट्रेड हो रहा था ना, ओके, हाँ 600-700 पे ट्रेड हो रहा था। उन्होंने क्या करता है, ये क्लियर ध्यान रखता है 10 रुपया का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान रखता है और अपना एक्यूरेसी जो मैं सिखाया हूं उसके ऊपर वो बिल्कुल थान के बैठा रहता है और वो मौके का ढूंढता है जो कब मेजे ये 20 रुपया हो जाएगा। और एक क्लियर चीज है, जो चीज आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे मार्केट में ऐसे एक टाइम आता है, और इसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व करना, अगला एक्सपायरी जब आता है जो स्ट्राइक 10 रुपये का आसपास है, 11-12 बजे के आसपास, दोपहर को 11-12 बजे के आसपास 10 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे अगर उसने 1 लाख रुपया का इसने इन्वेस्टमेंट किया है 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और उसको ये नहीं है कि 10 रुपये है तो बाइंग कर रहा है, नहीं, उसका क्लियर फंडा है मैं ब्रेकआउट पॉइंट देखूंगा, 10 रुपया में बाइंग नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ब्रेकआउट पॉइंट, चाहे वो 11 रुपया हो सकता है, 12 रुपया हो सकता है, और वहां पे ऑटोमेटिक मैं लगाऊंगा, मेरे पास टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं 1 मिनट का चार्ट देखना हूं, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट जैसी होगा वैसी मैं ऑटो जनरेट करके रखूंगा, मुझे 12 रुपये में बाइंग करना है, 22 रुपये में निकल जाना है, समझ रहे हैं आप बात को? एक लाख का इन्वेस्टमेंट है, 12 रुपये में बाइंग, 22 रुपये में एग्जिट, क्योंकि मैं अगर देखूंगा मार्केट देख के करता रहूंगा तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। देखिए आप जो ये लिख रहे हैं निफ्टी के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं क्या, आपका आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है, आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैसेज बॉक्स देख लूंगा। सर एक बार ये बताओगे कि कैश और फ्यूचर में जो डिस्काउंट होता है इसका क्या लॉजिक होता है? और टाइम डीके मैं शुरू में बताया था, जो प्रीमियम घटने वाला बात वही पूछ रहे हैं ना आप? नहीं सर, कभी कभी से कैश और फ्यूचर के प्राइस में डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, ओके 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 ओके। देखो इस डिफरेंस को लेके हम एक जो क्लियर फंडा है कि कैश क्या है, फ्यूचर क्या है,
कैश क्या है, फ्यूचर क्या है, तो कैश एक्चुअली जो कंपनी का शेयर है उस शेयर का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमारा जैसे ट्रेडर्स का मनगढ़ंत एक लेवल है, मेन स्ट्राइक प्राइस ये है, मेन शेयर ये है, और डेरिवेटिव मार्केट में हम इस जो मेन शेयर है इसके ऊपर हम दाव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हम दाव लगाते हैं कि ये मान लो सपोज मैं वहां पे आरबीएल बैंक का ही प्रेजेंटेशन दिया था, आरबीएल बैंक अभी ये चल रहा है एक जो भी प्राइस है सपोज ये चल रहा है, अब ये आने वाले टाइम में 880 पहुंचेगा, ये हमें मानना है, तो मैं कैश में काम करूंगा तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, मैं फ्यूचर में काम करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस चीज को चलते हुए डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया है और लोग इसके एनालिसिस के बेसिस पे देखता है कि ये ऊपर जाना चाहिए तो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कैश को छोड़ देते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे अलग आपको फैसिलिटीज दिया है कि आप कम अमाउंट में ह्यूज अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, कैश में लोग कम ट्रेड कर रहे हैं लेकिन एनालिसिस जो किए हैं, मान लो एफआईआईएस है, डीआईएस है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, उन लोग एनालिसिस किया है कि ये स्टॉक यहां से 10 रुपया ऊपर आ जाएगा, तो इन लोग कैश में ट्रेड नहीं कर रहा है, फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है। तो इसके चलते जो इसका और इसका बीच में डिफरेंस, जो प्राइस का डिफरेंस दिखाई देता है। जब भी आपको, मैं इस टॉपिक के ऊपर बता दूं, जब भी आपको कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में लगभग 1% के आसपास का डिफरेंस दिखाई देता है, यानी कि अगर पॉजिटिव साइड में 1% डिफरेंस है तो ऑब्वियसली आपने 90% श्योर होके इसके ऊपर बाइंग साइड में रहना। अगर आपको 1% माइनस साइड में दिखाई देता है तो यहाँ पे 90% श्योर होके इसमें सेल साइड में रहना है। सर, इसमें कैश का प्राइस ज्यादा होना चाहिए कि फ्यूचर का? फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होना चाहिए तभी कैश का प्राइस ऊपर जाएगा। सर, लास्ट वीक सेम पोजीशन यही थी। हाँ जी, लास्ट वीक सेम पोजीशन यही थी। हाँ, फ्यूचर और कैश के अंदर 1% का डिफरेंस आ रहा था। हाँ, तभी मार्केट गिरी है, तभी मार्केट गिरी थी उस दिन एक दो दिनों में। अच्छा, 10, 800 से 10, 690। हाँ, कभी भी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर यहाँ से 100 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब डाउन साइड में अगर 100 पॉइंट है तो गिरने का चांसेस ज्यादा है, अगर इससे कैश से फ्यूचर का प्राइस 100 पॉइंट आप है तो ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए आप देख पा रहे, मेरा टेक्निकल सेटअप में निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके सर, जैसे निफ्टी 10,700 पुट के ऊपर, हाँ, बायर बैठे हैं 1 लाख और सेलर बैठे हैं 3 लाख। ओके, पुट के ऊपर, पुट के ऊपर, हाँ, 10,700 पुट के ऊपर, हाँ, उसका मेन इंडिकेशन यही हुआ कि 10,700 से नीचे नहीं जाएगी, सपोर्ट है। लेकिन आपने यहाँ तो ये देख पा रहे हैं, अब अगर देखते हैं 10,600 के ऊपर, 10,600 के ऊपर भी बायर बैठे हैं 2 लाख, सेलर बैठे हैं 8 लाख, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है 10,700 को ब्रेक करेगा तो 10,600 तक भी जा सकता है, ठीक है, 10,700 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्टली 10,600 तक भी जा सकता है। तो आप ब्रेकआउट का इंतजार करना है सर। हाँ जी, हाँ, आपने अगर पहले से सेल कर रखे हैं तो जब 10,700 आ गया है तो एक बार आप एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज जब बाइंग, अगर बाइंग पोजीशन बनाना है आपको, अगर यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाना है तो इंतजार करना है यहाँ से ट्रेन मोड लेने का, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो, जब तक मान लो ये 10,700 है, ठीक है। सर, पीसीआर के बारे में बताइए। देखिए, पीसीआर के बारे में थोड़ा सा अलग एक वीडियो बना दूंगा, अभी आप देख पा रहे डेमो क्लास है, 30 मिनट से क्लास लेना था और ये ऑलमोस्ट आपको 50 मिनट का, 50 मिनट का क्लास हो गया, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपना यूट्यूब चैनल में भेज दूंगा। हाँ हाँ, डेमो क्लास का वीडियो बना हुआ, बन रहा है, मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, और जो सेकेंडली,
हाँ बोलिए सर, ये वीडियो कौन से ग्रुप में मिलेगा? थैंक यू वेरी मच। हाँ वेलकम वेलकम। एक वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, मेरा यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं, बेल आइकन दबा रखे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके जैसे वायर ज्यादा चलने का है। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जैसे वायर ज्यादा चलने का है, इसकी इंडिकेशन इसकी मार्केट अप जाएगी। वायर ज्यादा सेलर कम है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। निफ्टी 40 की ओपन है, जैसे सेलर ज्यादा है और वायर कम है, उसके पोजीशन ये तो मेरी डार्क पार्ट गिरेगी नहीं। सी आपको ये देखना है, सी के ऊपर अगर वायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर पी के ऊपर वायर ज्यादा है तो मार्केट नीचे गिरेगा। अब प्लीज फ्रेंड्स, अगर कोई एक लोग बात करता है तो बाकी लोग माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? आपका माइक को ऑन करके बात कीजिए सर। पीई के ऊपर सेलर ज्यादा है, हाँ जैसे अप जाएगी डाउन जाएगी, वहां पे सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट लेके आपको इंतजार करना है, जहां पे ये पीई के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, आपको सेलर ज्यादा मिल रहा है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट घूम रहा है कि नहीं, रिवर्स हो रहा है कि नहीं, रिवर्स होने का इंतजार कीजिए जस्ट। ठीक है, ठीक है। रिवर्स से इंडिकेशन क्या होती है सर? उसकी पी के ऊपर सेलर ज्यादा, उसकी इंडिकेशन क्या होती है? हाँ देखो, एक तो कंफर्मेशन हो गया कि पी के ऊपर सेलर ज्यादा है, दूसरी कंफर्मेशन हो गया 5 मिनट कैंडल में हम गिरते हुए देख रहे हैं कंटिन्यू। अब हम 5 मिनट कैंडल पे प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है ये आपको मोड़ घूम गया है, और इसके साथ में बाकी बहुत सारे टेक्निकल चीज है, वो भी साथ में देखना चाहिए ताकि आपको मोस्ट क्लियर कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है? Okay. ये तो एक बेसिक चीज हो गया, ये दो चीज आप देख के ट्रेंड लगा सकते हैं, और उसके साथ जो बाकी हम यहाँ पे मूविंग एवरेज व बाकी चीज हमारा ऑनलाइन क्लास में सिखाते हैं, तो वो देख लेने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्मेशन आपको हो जाता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी मूविंग एवरेज ये 10 डेज और 50 डेज वगैरह काम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी कभी आप लोगों को पिन पॉइंट बताता हूँ कि निफ्टी 10,830 तक जाएगा और ये आपको रेजिस्टेंस है। आप कई बार देखे होंगे 10,827 या तो 10,833, इसका बीच से वापस मुड़ जाता है, ठीक है? हाँ सर, जैसे ऑप्शन चेन आपने बताई है, एक कैंडलस्टिक बताई है आपने, हाँ ऐसे और कौन सी ऑप्शंस होती है जो अपने इसके ऊपर काम करती है? देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं मेनली मेरा मूविंग एवरेज और 2-3 स्ट्रेटजीज है, मैं वो चीज फॉलो करता हूँ, मेरा जो स्ट्रेटजीज है और मेरा मूविंग एवरेज का तालमेल, ठीक है? उस so, हाँ स्ट्रेटजीज का जैसे ऑप्शन चेन हो गया या नहीं, वो मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटजीज है, वो कोई आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कोई जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके हाँ ओके, वो आपकी पर्सनली स्ट्रेटजी? हाँ मेरा पर्सनली स्ट्रेटजीज है, वो जब क्लास होते हैं तो क्लास में बताया जाता है। ओके सर, एक चीज बताएंगे, स्टॉक्स के अलावा, हाँ ये बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक्स के ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं? इसी तरीके से देखते हैं? सेम कुछ नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे लगा दीजिए जो भी स्टॉक को देखना है, ठीक है? यहाँ पे आप स्टॉक का नाम डाल दीजिए, ठीक है? सर बजाज फाइनेंस का दिखाएंगे? मैं बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्लिक किए, अब इसका सबसे तो पहले बायर सेलर जो भी है, कितना क्वांटिटी डेरिवेटिव उठाया है, ये मिल जाएगा। अब ऑप्शन चेन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको बजाज फाइनेंस का ऑप्शन चेन मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे क्या कंटैक्ट ऐड हो रहा है, 3400 पे ये, और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 3300 रेसिस्टेंस, फिलहाल के लिए जो रेसिस्टेंस मिल रहा है आपको 3400 का रेसिस्टेंस। जहाँ तक मैं बजाज फाइनेंस का वो देख रहा था, चार्ट देख रहा था, तो एक गिरावट का चांसेस बन रहा है बजाज फाइनेंस में, और यहाँ पे भी ऑप्शन चेन पे भी हम देख रहे हैं कि 3400 पे आपको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो जो मैं उस दिन शायद देख रहा था, मैं आज ही सुबह या कल शाम को देख रहा था कि 3000 अभी क्या प्राइस चल रहा है बजाज फाइनेंस का,
3314 सर ऊपर 3314 हाँ तो 33 सॉरी 331 बताइए एक बार रेट 4 ओके तो मैं शायद ये देख रहा था ये 3330 से नीचे अगर सस्टेंस करेगा, मैं अभी तो टेक्निकल लगाया नहीं हूँ, मैं स्टॉक भी नहीं लगाया हूँ, तो यहाँ से ये 3331 00 के आसपास जाने का चांसेस है। ठीक है चलिए फ्रेंड्स ओके, काफ़ी टाइम हो चुका है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे डेमो क्लास में। और यहाँ पे जो नेक्स्टली जो बात करना चाहूँगा, जिन लोग क्लास के लिए सीट बुक करते हैं उनको क्लास का सीट बुक होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसका सीट बुक होने के बाद एवरी डे आपको व्हाट्सअप में एक कॉल मिलेगा फ्री। और ये जस्ट एडवांस एक फीचर्स है कि मेरा कोर्सेज सिर्फ 5000 का कोर्सेज है, और मेरा स्टूडेंट का फीडबैक आप लोग सुने होंगे जो ये 5000 का कोर्सेज नहीं है और ये 30-40,000 का कम का कोर्सेज नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं 25th बैच का सीट बुक करना, तो आप सीट बुक जैसी हो जाएगा तो आप कल से एक एक स्टॉक, सिर्फ एक परफेक्ट स्टॉक आपको मिलेगा जिसके ऊपर काम करके कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप कोर्सेज का फीस उठा सकते हैं, वसूल कर सकते हैं, वसूल कर पाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है डेमो क्लास तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।